हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, गूगल मैप में आपने जरूर ये चीज़ देखे होंगे कि गूगल मैप में आपने एक वे चूज़ किया, उसके बाद वो रास्ता में ही आपको घूमना पड़ा, उसके बाद आपको नोएंटी में भी घुसा सकता है या आप कहीं रॉन्ग जगह में चले गए हैं। तो इस तरह का चीज़ आपको हो सकता है गूगल मैप में। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली बात ये है, अगर आपका मोहल्ला से कहाँ जाना है ये आपको सबसे ज़्यादा जानकारी है, तो गूगल मैप उसी तरह। गूगल मैप एक अमेरिकन कंपनी, गूगल एक US कंपनी का एक एप्लीकेशन है, और उस तरह से उनको इंडिया का हर गली हर रास्ता पता नहीं है और कहाँ पे क्या चीज़ है। कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज कर भी देता है, 1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर घुमा देता है गूगल मैप। तो इस तरह का चीज़ आपसे नहीं होगा कि इंडिया एक नया एप्लीकेशन लाने जा रहा है, एकदम शुद्ध भारतीय एप्लीकेशन है, और जिस एप्लीकेशन के मदद से गूगल मैप में जिस तरह का फैसिलिटी आप यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट फैसिलिटी आप इस एप्लीकेशन में यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इस तरह के टेक वीडियो डेली आप लोगों के लिए लाता हूँ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ एक इंडियन कंपनी मैप माई इंडिया, दोनों एक साथ मिलकर मैप माई इंडिया का नया एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जो इतना गूगल से भी एडवांस है। तो उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा उसके बारे में भी बताएंगे, कब लॉन्च होगा ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के मदद से आपका डेटा का सुरक्षित किस तरह से आप कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोग देखे हैं कि गूगल मैप में एक जगह से एक जगह जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जब सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को 3-4 वे दिखा देता है। अगर ट्रेन अवेलेबल है तो ट्रेन, अगर बस रूट अवेलेबल है तो बस, या आप अगर पर्सनल व्हीकल से जाते हैं जैसे बाइक या 4-व्हीलर, तो इस तरह का फीचर्स वहाँ पे शो कर जाता है। अगर रिवर टाइप का कुछ रहता है तो वहाँ पे रिवर से जाने का जो लॉन्च फैसिलिटी या नाव फैसिलिटी जो होता है वो भी वहाँ पे शो होता है। तो फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में उससे भी अपडेटेड फीचर्स रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैप माई इंडिया एप्लीकेशन में जो फैसिलिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, इसमें वेदर अपडेट आपको मिल जाएगा, जिस लोकेशन को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस लोकेशन में किस तरह का वेदर है, पॉल्यूशन अपडेट आपको मिल जाएगा, उसी के साथ लैंड इंफॉर्मेशन वो भी आपको मिल जाएगा। ये नहीं, यहाँ पे ख़त्म नहीं है, इसके साथ साथ आपको कृषि, वहाँ पे क्या फार्मिंग होता है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, और इसी के साथ ज़्यादा हाई क्वालिटी पिक्चर, सैटेलाइट से जो पिक्चर वहाँ पे आपको दिखेगा और भी बेहतरीन पिक्चर वहाँ पे दिखेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन में बहुत ही सारा का अपडेट आप सभी के लिए लाएगा। ये बड़ा बात है कि इंडियन एक एप्लीकेशन है जिसके मदद से काफ़ी आसान होने वाला है। जिस तरह से गूगल मैप का यूजिंग बढ़ा है और एक जगह दूसरे जगह आप देख लीजिए कि डेटा को लेके किस तरह से समस्या हो रहा है कि डेटा सुरक्षित नहीं है, तो डेटा सुरक्षित करने के लिए ये स्वदेशी एप्लीकेशन आपको लिए सबसे बेहतर होगा। आपने ये चीज़ जरूर देखे होंगे कि आपने गूगल मैप में सर्च किए एक बार और आपके सामने सारा एडवर्टाइज आपका फेसबुक में चला आया, नहीं तो आपका गूगल जो न्यूज़ सेटअप है उसके अंदर वो ऐड दिखने लग जाता है। एग्जांपल, आपने गूगल मैप में सर्च किए हैं होटल, अपने किसी एक लोकेशन का होटल सर्च किए, होटल इन मुंबई, अपने इस तरह का सर्च किए, तो आप उसी सेम आपका फेसबुक में, आपका सोशल मीडिया जो फेसबुक है या ट्विटर है या दूसरा किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, आप वहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो चीज़ आपने सर्च किए थे गूगल मैप पर, और वो सारा एडवर्टाइजमेंट आपको अपना सोशल मीडिया में शो हो रहा है। तो इस तरह का ही डेटा एप्लीकेशन का लॉन्च का डेट अभी भी कुछ आया नहीं है, ये एप्लीकेशन बहुत जल्द अपग्रेड किया जा रहा है और बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, इस तरह का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोगों को लाता हूँ जो आपका काम पे आए। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।